कितना दिन से ना पाओ तू? अरे कहियो ना आई पाए भैया, 15 वर्ष मरे हो गए न, तब से कुछ ना आई पाए। कई... 4 किलो चाउर बस। कैसे खर्चा चला था? हाँ, कुछ ना आई भैया। खर्चवा कैसे चला था? सुनी ना आई पाओ था। अब कैसे चले? ऐसे मांग खाई से और कैसे चलत बाय? का उपाय से ना डर रवाई कुछ नहीं, कैसे गंजिया चलत बाय? नहीं पाई तो हम बीमार है, ऐसा बहुत कमजोर मने है हम साहब। पिल्सिन मिल रही है आपको? नहीं पिल्सिन नहीं मिलत। एक बार पिल्सिन नहीं मिली है आपको? दाई नहीं मिली बस साहब। और ये जो मकान है आपका ही है? हाँ मकान हमारा है। तो क्या नाम है आपका? नोखई। और किस जगह घर पड़ता है आपका? बेलाड़े। जैसे ही कोई हमारा वृद्धावस्था पेंशनर उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो हमारे विकास खंडों के माध्यम से, तहसील के माध्यम से, जैसे भी हमको सूचना प्राप्त होती है कि हमारा पेंशनर मृत्यु हो गया है, उसकी पेंशन को तत्काल यहाँ से स्टॉप कर दिया जाता है और उसके खातों में पेंशन नहीं आती है। अगर इसके बीच कोई हमारी सूचना प्राप्त होने के बीच अगर वो पेंशन उसके खाते में चली भी जाती है तो सभी बैंक शाखाओं को इस आशय के सर्कुलर बार बार जारी कराए जाते हैं कि पेंशन की धनराशि जो है वो पेंशनर के आश्रित को नहीं गई होगी, वो हमारा जो पेंशनर है उसकी धनराशि है। अगर वो व्यक्ति मृत्यु हो गया तो वो धनराशि वो हमारे विभागीय प्राप्ति मद में जमा करने के लिए SBI की मेन ब्रांच को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से वापस कर देते हैं। सर क्या कुछ नोटिस भी जारी की गई है? जहाँ कोई विशेष प्रकरण संज्ञान में आते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया उसके खाते में पेंशन चली गई है, अगर कोई इंडिविजुअल भी हमारे संज्ञान में आता है तो हम उस व्यक्ति के नाम से भी लिखते हैं कि इस व्यक्ति के जो पेंशन भेजी गई है इसको आप हमारे SBI मेन ब्रांच को वापस कर दें।